हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सपना श्रीवास्तव। किड्स, डू यू नो आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज क्या है? आज है 12 अगस्त और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। पर इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो टू हेल्प प्रोटेक्ट एलिफेंट फॉर मेंटेनिंग द वाइल्ड डाइवर्सिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट। यानी किड्स, एलिफेंट हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। किड्स, आज हम जानेंगे एलिफेंट्स के बारे में कुछ उसके फैक्ट्स। सो एलिफेंट आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल। यानी ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का एनिमल है जो लैंड पर रहता है। और उसकी सबसे खास बात आपको पता है क्या है? इसके लार्जेस्ट ईयर, लार्ज ट्रंक, ह्यूज बॉडी, ह्यूज हेड। और आपको पता है उसको सबसे ज्यादा क्या खाने में पसंद है? बनानास। एलिफेंट लव टू ईट बनाना। किड्स, आप सोच रहे होंगे कि एलिफेंट पानी कैसे पीते हैं? तो एलिफेंट अपने ट्रंक से पानी पीते हैं और वो एक बार में 8 लीटर पानी फिल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? एलिफेंट्स आर सिंबल ऑफ लव एंड कंपैशन। यानी एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी बहुत प्यार करते हैं। और पता है किस लिए स्पेशल होते हैं? ये अब दूसरे एनिमल्स को हग भी करते हैं, तो ये लव और कंपैशन का सिंबल भी होते हैं। और सबसे खास बात इनकी क्या है? यू नो, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ये कुछ भूलते नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एलिफेंट्स आर द सिंबल ऑफ लव एंड कंपैशन, तो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, पता है? और इसका नाम है हाथी मेरे साथी। तो आप जाना और अपने पेरेंट्स के साथ ये मूवी जरूर देखना। डू यू नो किड्स, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग आगे बढ़ने के लिए फॉरेस्ट को भी कट करते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। और एलिफेंट की बॉडी बहुत हैवी होती है, तो वो फूड की सर्च में यहाँ से वहाँ जल्दी नहीं जा सकते हैं। तो आज हम ये ओथ लेते हैं कि हम अपने नेचर को सेव करेंगे, और नेचर को सेव करेंगे तो हमारे एलिफेंट भी सेव होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से हमारे 50% एलिफेंट खत्म हो चुके हैं। सो किड्स, आज हम ये ओथ लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे, हम अपनी मदर नेचर को सेव करेंगे, हम सेव रहेंगे, एनिमल सेव रहेंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी सेव रहेगी। सो हैप्पी वर्ल्ड एलिफेंट डे।